असर तूफान की पहली नजर ये बता देती है कि कुछ बड़ा आने वाला है। तो स्कूबोई फैमिली, पिछली बार कल्लू कालिया को खत्म करने के बाद वो सारे के सारे पेट इकट्ठे करने के बाद किंगडम में हलचल मच गई कि नेक्स्ट किंग कौन बनेगा, क्योंकि मैं अभी टेम्पररी किंग हूँ और किंगडम की रूल बुक के हिसाब से नेक्स्ट किंग सिर्फ जनता की वोटिंग के हिसाब से ही डिसाइड होता है। किंगडम के हर राज्य के डिफरेंट डिफरेंट किंग आए और उन सब ने डिसाइड किया कि 69 डेज के बाद इलेक्शन होगा कि मैं किंग बनूंगा या नहीं। सालों वोट करो। Many months later. वाह क्या पोस्टर बनाया यार, इतना स्मार्ट हैंडसम लग रहा है। वोट्स को बॉय अच्छा तो भाई तो, पर यार वांटेड क्यों लिखा है? क्रिमिनल हूं क्या मैं भाई? किसने बनाया ये पोस्टर? सुल्तान अबे रुक। किंग इज हियर, प्रजा कहो मेरी, राजा का सत्कार करो, झुको मेरे सामने। मैंने ही तुम्हें बचाया कल्लू कालिया से, किधर हो मेरी प्रजा, मुझे वोट दोगे? किधर है? धीरे धीरे करके सारे प्लेयरों ने घेरा मार लिया मेरी तरफ, और पता नहीं जैसे मैंने उनकी किडनियां मांग ली हो, पता नहीं ऐसा क्या गुस्से से देख रहे मुझे सारे। पता नहीं लोग मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे, मैंने कल्लू कालिया को हरा के इनको बचाया है, पता नहीं हराम खोरों को और क्या चाहिए। कोई लिख रहा नूब कोई महानूब है, लिख रहे मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है कल्लू कालिया से, वो रे कल्लू कालिया अच्छा आदमी था, ये क्या मतलब? समझ रहे हो ना कि मुझे बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा, कोई ऐसा वेपन चाहिए जिससे ये लोग डरे, और वो वेपन मुझे पता है कौन सा। वो वेपन है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेथ, और उस डिस्ट्रक्शन ऑफ डेथ को बनाने के लिए मुझे चाहिए स्काई ब्लेड, और वो स्काई ब्लेड मुझे मिलेगा ग्रेवयार्ड में, जहाँ पे रहते हैं बंटी और बबली के वेरिएंट। कोई हेल्प चाहिए? मुझे हेल्प चाहिए, ये देख भाई आलू की शक्ल के किधर गया? मैं टी3 ग्राइंड कर रहा हूँ। ले भाई ग्रेट भैरवा, ये ले तेरी हेल्प भाई, देखा एक हिट में मार दिया भैरवा साले, उतना मैं उसको डैमेज मार के रखा था, एक हिट आखिरी का मार के चले गए। ले भाई ये देख, एक हिट में मार दिया, ले मार इसको, दम मैं तो मेरे वाले को मार, ले ले रुक जा, मार दूंगा मैं, मार दूंगा, रुक जा मैं मार दूंगा भाई। ये क्या करके गया तू मेरे पास, क्यों छोड़ गया पागल के बच्चे, वो निकल गया अभी एक बंदा मेरे ऊपर बच गया साला, अभी मर जाते तो पूरा। एक मैं अपने दोस्त से मिलाता, पता है मेरी पिछली वीडियो में इसका नाम क्या था? इस वाले ज़ॉम्बी है, गोल्डन वाले का, इसका नाम रखा था गोटिया। अरे गोटिया, गोटिया है इसका, गोटिया का मैंने गोटा काट दिया। देख ला तेरा ना काट दे, ये मैं मारूंगा, ये मेरा शिकार है। अरे गोटे काट दूंगा, मेरा नाम है बुल्ला भाई। मैं तुझे भाई, अगर मैं किंग बन गया ना, तेरे को मैं अपना राइट हैंड बनाऊंगा। अरे यार तुम सब नल्ले लोग, एक T4 नहीं संभाल सकते, चलो मार दिया। तूने तो हाथ भी नहीं लगाया, हो गया इसको। अरे यार एक किल बचाया मेरे को, मारने दो एक गोल्डन वाले को, फिर मेरा भी समन हो जाएगा। साले मार लेने दो, मार ले, मैंने कब रोका तुझे, कब से मार तो रहे हो तुम ही, मैंने कहा मारा यार, समन होने दो। ऐड का पकौड़ा, मर गया मैंने मारा है तभी तो स्पॉन हुआ है यहीं पे ही, ग्रेवयार्ड में तुम्हारा ग्रेव बन जाता। माने किंग को किसने हराया था? मैंने हराया भाई, लोगों को पता नहीं है भाई, उनकी जान मैंने बचाई है भाई कल्लू कालिया से। अरे यहाँ पर एक मिस्प्रिया है, मिस्प्रिया आया एक मिनट, कहाँ है ऊपर दिया हो गया है, कहाँ है मिस्प्रिया?
हो गई मिस्त्री। ये रही ये रही ये रही ये रही तुम्हारे बगल में, ये देखो ये रही। कितना टाइम के बाद मिलता है ब्लेड? बस ये कुछ 10-15 घंटे के बाद लगातार। अरे वो देख उधर, देख उधर, वो देख उधर, देख उधर सामने। क्या क्या क्या? हाँ क्या जी, हाँ ये जरा है क्या माल है यार। पैसा पैसा पैसा। ए भाई तू भी याद रखेगा। कितना दे रहे हो? बड़े दिल वाला। इतने में क्या होगा? बच्चे दूध पी लेंगे। और धीरे धीरे करके मैंने सारे T3 T4 T5 सबके सब मारे, और इतने घंटों की मेहनत के बाद मुझे वो चीज मिल गई जो मुझे चाहिए थी। और इलेक्शन डे आ गया और सभी लोग लाइन में लगे हुए थे और वोट दे रहे थे रेड बजर ग्रीन बजर। मुझे ज्यादा टेंशन थी कि मैं किंग बन पाऊंगा या नहीं। मेरा इतनी मेहनत, इतना खतरनाक आर्मर शार्मर सब कुछ बनाने के बाद, वेपन शेपन ढूंढने के बाद, क्या मेरी मेहनत सफल हो पाएगी? और थोड़ी देर बाद इलेक्शन का रिजल्ट आया और मैं इलेक्शन बहुत बुरी तरह हार गया। मैं टोटल 100% वोटिंग से हारा, मुझे किसी ने वोट ही नहीं किया। ये सुन के मैं कर रहा था भगवान जमीन में गाड़ दे मुझे। इलेक्शन हारने के बाद मैं बदले की आग में कांप रहा। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है किंग की कुर्सी पाने का, वो है अब वो तो वही रास्ता कि किंग को खत्म कर दूंगा। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ये बेकार रास्ता सीधे कोर्ट की केस में ले जाएगा किंगडम की।